हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अमी अंसारी, वक्त अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ सुनाने वाला हूँ। ये न्यूज़ जो है एनएमसी की न्यूज़ है, जिसको हम लोग नेशनल मेडिकल कमीशन के नाम से जानते हैं, और ये न्यूज़ जो है आपकी ऑफिशियल और ऑथेंटिक न्यूज़ है। ये 3 फरवरी 2022 की न्यूज़ है, और इस न्यूज़ में हम आपको क्या बताने वाले हैं, इसका सब्जेक्ट देखेंगे गाइडलाइंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फीस एंड ऑल अदर चार्जेस इन रेस्पेक्ट टू 50% ऑफ द सीट्स इन प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज गवर्न्ड अंडर द एनएमसी एक्ट 2019। अब इसमें क्या कहा गया है, ये किससे रिलेटेड है बच्चों? जबरदस्त न्यूज है, ये इससे रिलेटेड न्यूज है कि जो भी हमारे स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, डीम्ड इंस्टीट्यूशन हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें जो सीट्स होती हैं, उन सीट्स की, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर सीट देखी जाए, तो उसमें जो फीस होती है वो बहुत ज्यादा फीस होती है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गाइडलाइंस दी गई हैं कि जो हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जिनकी फीस बहुत ज्यादा है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस ये दी हैं कि उनकी जो 50% सीट्स होंगी, उन पर जो चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे गवर्नमेंट फीस के बराबर। ठीक है ना? कहाँ पर मिलेगी ये पूरी, ये तो सब्जेक्ट था हमारा, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग किसी एप्लीकेशन में देखेंगे, इसी नोटिस में देखेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा कदम है ये। हमें क्या चाहिए, हमें मेडिकल कॉलेज में सीट चाहिए। ठीक है ना? तो ये आपको मैं पोस्ट कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत पूरा पढ़ेंगे तो टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा, वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा। जो मेन बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से क्या मेन बात है हमारे लिए। यहाँ से आप देखेंगे कि आफ्टर एक्सटेंसिव कंक्लूजन इट हैज बीन डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया है, द फी ऑफ द 50% सीट्स इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी शुड बी एट पर विद द फी इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड यूपी। ठीक है, यही मेन बात है हमारी, इसी बात को हमें समझना था। तो जो 50% सीट्स होंगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, उन पर जो फीस लगेगी आपकी, वो गवर्नमेंट फीस लगेगी, जैसा कि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। ये डिसाइड किया गया है कि 50% सीट्स जो होंगी उन पर गवर्नमेंट फीस लगेगी, और इससे आप लोग जो है एडमिशन ले सकते हैं। अब ये कब से लागू होगा, देखिए 2021 के तो एडमिशन हो चुके हैं, 2022 में ये लागू होगा, और जो है 22 वालों के लिए अच्छी न्यूज है। अगर 22 में नहीं हुआ तो जो उसके बाद के बैचेस होंगे, उन बैचेस के लिए ये बहुत ही जबरदस्त न्यूज है। आप लोग इसको यहाँ से देखेंगे और अपने फ्रेंड के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिएगा, और जब आप इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाएंगे तो उनको भी लगेगा कि नहीं, अब अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी चाहिए। बाकी इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहां पर आपको ये नोटिस मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा नीट एस्पिरेंट्स के लिए शेयर करिएगा। अच्छा, इसमें जो ये चीजें होंगी, इससे फर्क क्या पड़ेगा, तो लगभग लगभग अगर ये चीज हो जाती है तो 26,000 एमबीबीएस की सीट्स जो होंगी वो बढ़ जाएंगी ऑल इंडिया। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है आप सभी के लिए, गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा कदम है। इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और ऐसी ऑथेंटिक न्यूज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे ही कोई भी ऑथेंटिक न्यूज आती है, हम आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं। मिलेंगे फिर किसी अच्छी ऑथेंटिक न्यूज के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू सो मच।